हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का टॉपिक, जिसने आपको रुलाया तड़पाया उससे कर्मा क्या हिसाब लेगा, उससे कैसे जस्टिस आपको दिलवाएगा, ऐसा कर्मा उसे क्या करेगा कि उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो उसने आपके साथ गलत किया है ये उसी का हिसाब चुकाया जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिसने आपको रुलाया तड़पाया, खून के आंसू रुलाए, अब उसका कर्मा किस तरह से हिसाब चुकता करेगा, उससे कैसे रियलाइज होगा कि उसने जो किया वो कितना गलत था। My goodness, Three of Cups and Celebration, Three of Cups दो बार आए हैं। Okay friends, इस इंसान के बारे में जितना कहो कम है। इस इंसान ने आपको इतना तड़पाया है, इतना रुलाया है, आपको इतना परेशान किया है कि आपका खुद पर से ही विश्वास उठ गया। एक तो होता है ना, हमारा भगवान से उठ जाता है, आसपास के लोगों से विश्वास उठ जाता है, लेकिन जब इंसान का खुद पर से ही भरोसा उठ जाए, क्योंकि जब उठते बैठते सोते जागते आपको कॉन्स्टेंट यही फील कराया जाए कि तुम में तो कोई खासियत है ही नहीं, तुम में ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना लुक्स वाइज, ना अकल है, ना कुछ है। जब आपको कॉन्स्टेंटली डेरोगेटरी वर्ड्स बोले जाते हैं, आपके दिल को बार बार छलनी किया जाता है, ऐसे में इंसान का खुद पर से भरोसा उठना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मतलब आपने जो कुछ फील किया होगा कि आपको ये लगने लगा कि आप किसी काबिल है या नहीं, आपके जीने का कोई मकसद है या नहीं, आपको लगता होगा ये इंसान आपसे बहुत बढ़कर है इसलिए वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में इसलिए ऐसा सोचते हैं कि उसमें खुद में कोई काबिलियत नहीं है, उसमें खुद में कोई ऐसी बात नहीं है, और जिसकी वजह से वो आपसे कॉम्प्लेक्सेस फील करते हैं। और सबसे बुरे लोगों का ना एक सबसे बड़ा जरिया होता है दूसरे को इन्फीरियर फील करा के अपने आप को उससे ज्यादा पावरफुल महसूस करना। आप में हर काबिलियत थी, बस आपका थोड़ा बहुत खुद पे से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पहले से कुछ कम था, जिसका फायदा इस इंसान ने उठाया। बस आप में खुद एतबारी इतनी कम थी कि उसने इस बात का फायदा उठा के आपके जितने भी गुण थे, जितनी भी आपकी पॉजिटिव चीजें थी, सब पे पर्दा डाल दिया आपको कॉन्स्टेंटली ये बोल बोल कर कि आप में कोई ऐसी बात है ही नहीं। रातों को आप रोए हैं, दिन में रोए हैं, कहीं भी आपके आंसू निकल जाते, इतनी आपको उसने यातना दी है आपको ऐसा बोल बोल कर कि आप में कोई खास चीज नहीं है। आप में घर चलाने की तमीज़ नहीं है ऐसा आपको बोला है, आपसे कोई काम नहीं होता ऐसा आपको बोला है, आपसे कुछ संभलता नहीं है ऐसा भी आपको बोला गया है, आप पे कोई अच्छी बात नहीं है ऐसा भी आपको बोला गया है। ये सब बातें सुन सुनकर कहीं ना कहीं आपने आपके दिल में एक ऐसी आवाज़ उठती है, एक ऐसा दर्द उठता है, वो दर्द कन्वर्ट होता है उस इंसान के
कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए कुदरत को झिंझोड़ता है। आपका जो दर्द, आपका जो रोना, आपका जो सिसकना, आपका तड़पना, ये एक ऐसी वाइब्रेशंस को भेजता है बाहर कुदरत में कि कुदरत अगर आपको नज़रअंदाज करना भी चाहे ना, वो नहीं कर सकती। आपका जो पेन है वो आपके रोने में, आपके तड़पने में, आपके जो शब्द आप अंदर ही अंदर खुद से बात करते हैं ऐसे लोगों से जब आप डील नहीं कर सकते, ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिलकर आपके साथ ऐसा करते हैं, या आपके घर में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका स्पाउस, आपका पेरेंट, आपका सिबलिंग, कोई भी हो सकते हैं ये, जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा लो फील कराया है लाइफ में कि आपने बद्दुआ जानबूझकर दी भी नहीं होगी इनको, आपने ऐसा कुछ कहा भी नहीं होगा, और आपने अगर कुछ बद्दुआ दी भी है तो आपका हक बनता है, वो निकल ही जाती है। हम इंसान हैं यार, हम जब रोते हैं, सिसकते हैं, कड़पते हैं, तो हमारे दिल से ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं। अगर हम कुछ बद्दुआ ना भी दें क्लियर वर्ड्स में, हमारा सिसकना, रोना, वाइब्रेशंस जो है इथर में ऐसे जाते हैं, कुदरत में ऐसे जाते हैं कि उसमें से एक आवाज़ निकलती है, मुझे न्याय दो, मुझे जस्टिस दो। और ये जस्टिस आपको मिलकर ही रहेगी, ये तो आप अपने ये वाले कार्ड्स में देख ही रहे हैं सेकेंड रो में। रिकवरी, रिमेन पॉजिटिव, एबंडेंस, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी नियर फ्यूचर में, आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। सबसे बड़ा कर्मा तो उसके लिए ये है, उसके लिए फटका तो ये है कि आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव होगी नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर आप रिकवर होंगे। ये जो दर्द इसने आपको दिया है उससे आप रिकवर होंगे, बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पास जो कुछ है उसे पहचानो, इनके कहने से मत मानो कि आप में कोई काबिलियत नहीं है। ये इंसान तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आपको कमजोर बना के रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन आपके अंदर का ज्वाला फट पड़ा ना, आपने कुछ करने की ठान ली, तो ये तो कहीं भी आपके आसपास खड़े नहीं रहेंगे। इसलिए ये आपको दबा के रखते हैं, इसलिए ये आपको इस तरह से फील कराते हैं। और आपकी सबसे बड़ी भूल, मैं फिर से कहूंगी, यही है कि आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसी चीज का इस इंसान ने फायदा उठाया है। खुद पर ट्रस्ट कीजिए। आप किसी को दुआ दें या बददुआ दें, शब्दों से बोले ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई इंसान कुछ फील करता है ना, किसी का दर्द जब लेता है और उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती है, बददुआ में कन्वर्ट हो ही जाती है, उस इंसान के कर्मा में कन्वर्ट हो ही जाती है। जब आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस किसी के लिए निकलते हैं जिसने आपका कुछ भला किया है, तो आप चाहे वर्ड्स में कुछ बोले ना बोले, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके लिए रिवॉर्ड बन के उसकी लाइफ में आती ही है। तो सबसे पहला रिवॉर्ड तो कुदरत आपको ये कह रही है, आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में रिकवरी आएगी, आप पॉजिटिव रहिए, आप में आपके पास बहुत एबंडेंस होगा, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी नियर फ्यूचर में, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करना सीखो। ये जो ऑर्डिनरी इंसान अपने आप को तुम समझ रहे हो, अपने आप को नालायक समझते हो इस स्टुपिड इंसान के कहने की वजह से, पहले तो इस चीज से आप फाइट करो, अपनी वैल्यू को समझो। ये कुदरत का मैसेज है, जो चीज आप बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए, जो चीज आप जितनी अच्छी कर सकते हैं कीजिए। ये इंसान के कुछ भी कहने का आप पर असर होना अब बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इस इंसान के वर्ड्स को कोई वैल्यू आपको नहीं करना है, फिर वो चाहे जो भी चमरबंद है आपकी लाइफ में, चाहे वो जो भी है, जैसे कि मैंने कहा वो कोई भी हो सकते हैं। आपको जो इंसान उम्र में बड़ा हो इसलिए हम उसे इज्जत दें, औहदे में बड़ा है इसलिए इज्जत दें, जरूरी नहीं है। वो इंसान इज्जत के लायक होना चाहिए, फिर वो चाहे एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, 10 साल का भी बच्चा है, लेकिन अगर उसने आपको कोई अच्छी बात बताई है, उसके कर्मों में कुछ अच्छाई है, उसके भी पांव छूना आपका फर्ज बनता है। और अगर कोई इंसान आपसे हर तरह से बड़ा है लेकिन कर्मों से ओछा है, तो आपको उसे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उसको बेइज्जत करना शुरू कर दें, लेकिन वो किसी भी इज्जत के लायक नहीं है। उसकी बातों को आपको रद्द कर देना है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आप खुद के लिए क्रिएट कीजिए अच्छी से अच्छी सिचुएशन, सब कुछ आपके बेहतर के लिए होगा। जो भी चेंजेस आएंगे, जिस वक्त आपने ये रीडिंग देख ली ना, आपके अंदर ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब तक आपने ये रीडिंग नहीं देखी थी, आपको लगता था आप में कोई गुण नहीं है, इसलिए ये इंसान आपको ऐसा फील कराते हैं। पीपल है,
एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, जो भी है, ये इसलिए आपको फील कराते हैं कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है। जिस वक्त आपने ये बात समझ ली, सब कुछ आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएगा और इस इंसान के कर्मा इसके पास लौट कर जाएंगे। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये याद दिलाया, देखिए थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स या सेलिब्रेशन, इस इंसान इसका एक कार्ड्स के दो मतलब निकलते हैं। आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशंस आएंगे ही, लेकिन ये इंसान की हालत ऐसी होगी, इसके साथ इतने धोखे होंगे, ये जो भी है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी जिस पे ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही पर्सन इसको धोखा देकर थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनेंगे। सबसे बड़ा फटका इसको ये लगेगा। जब इसके साथ ये होगा, इसका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद कम होने लगेगा। ये तो अभी ये बात आई है जो मैंने देखी, आपको बताई कि इसके साथ बहुत जबरदस्त धोखा होने वाला है नियर फ्यूचर में। वेरी नाइस, लवर्स कार्ड, जिसको ये सबसे ज्यादा चाहते हैं वही पर्सन इनको बुरी तरह से धोखा देंगे। इनको कई बार क्या होता है, कुदरत जानती है कि कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, उसके साथ कुछ भी गलत होगा ना उसको महसूस नहीं होता, लेकिन जिस पे वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो उनको धोखा देता है ना, तब उनको ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए कुदरत इनको इस तरह की सज़ा देगी कि इनकी लाइफ में जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वही पर्सन इनको बुरी तरह से धोखा देंगे। वो थर्ड पार्टी में ऐसा वो इन्वॉल्व हो जाएंगे कि इनकी बात सुनना ही बंद कर देंगे, जब इनको रियलाइज होगा इनकी कोई वैल्यू नहीं है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके खिलाफ इतने ज्यादा रूमर्स फैलाए जाएंगे कि इनकी सोशल स्टैंडिंग ही वर्ल्ड मतलब समाज में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुछ कहने लायक ये नहीं बचेंगे। इनके खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें समाज में फैलाई जाएंगी, ये करेंगे ये लोग जो इनके सबसे करीबी हैं इस वक्त, इनकी सोशल स्टैंडिंग को नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कि इनको खुद नहीं समझ आएगा कि इनके जीने का मकसद क्या है। जो समय का पहिया आपके अगेंस्ट था वो आपकी फेवर में आएगा और इसके अगेंस्ट चला जाएगा, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, इनकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उस पर असर होगा। हो सकता है उनके चलने में कुछ खराबी आ जाए, उनके बाहों में कोई खराबी आ जाए, या उनकी आंख में, सब कुछ लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई, कहीं भी कोई नुक्स आएगा बहुत जल्द इनकी, क्योंकि जब किसी पे बहुत गहरा उसको सदमा लगता है ना, जब उसके साथ ये सब होता है, तो उसका लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक होने की वजह से ये सारे असर उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ होगा, उसके लेफ्ट साइड पे बुरी तरह से असर होगा कुछ ही टाइम में। आप देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप तो फिर भी इसके ये सब करने से बाहर आ ही गए, लेकिन ये अपनी करनी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके दिल से उठी हुई एक रुदन, एक रोना, सिसकना, तड़पना, जो यातना इन्होंने दी थी, वो कहीं ना कहीं ऐसे वाइब्रेशन सब आ चुके हैं कि इनको अपने करने का हिसाब देना होगा, अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, इनको ये सब फेस करना पड़ेगा, और किसी और के जरिए जिसको ये बहुत चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई कुछ भी इनको बोले, इतने ढीठ हो चुके हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, जब वो इन्हें अंगूठा दिखाएंगे तब इन पर सबसे ज्यादा असर होगा और उनके साथ ये सब होगा जो मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अब आप निश्चिंत हो जाएं, ये रीडिंग देखने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप कहाँ हैं और ये पर्सन कहाँ है। आप यहाँ हैं तो ये पर्सन बिल्कुल यहाँ है। इस इंसान की बातों की वैल्यू करना छोड़ दें। मैंने आपको जैसे समझाया, इंसान का रुतबे में बड़ा होना, उम्र में बड़ा होना, ये सब ज़रूरी नहीं है, उसके कर्म बड़े होने चाहिए। इसके कर्म बड़े नहीं है, इसकी बातों को सुनना छोड़ दें। आपकी जो भी आवाज़ है ना, वो इथर में जा चुकी है और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम दिखने वाले हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आती रहूँगी अच्छी से अच्छी रीडिंग्स लेकर आपके लिए। योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।